स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में 1.3 के 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। हम आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके अंदर हमारे पास पार्ट नंबर 1 दिया गया है। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन का ये मतलब है कि आपको जो सिचुएशंस दी गई होंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास पहले ब्रैकेट आ रहा है, दरमियान में प्लस आ रहा है, इसका ये मतलब है कि जो ऑपरेशन हमें दिया गया हमने वो अप्लाई करना है। मतलब यहाँ पर प्लस आ रहा है तो प्लस करेंगे, माइनस आ रहा है तो माइनस करेंगे। प्लस और माइनस के लिए हमारे पास रूल सेम होते हैं कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब अगर हम देखें, यहाँ पर पहले ब्रैकेट आ रही है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट्स आ गई तो हमने ये नहीं करना कि हम इसको और इसको सॉल्व कर लें, नहीं, पहले हम हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करने का ये मतलब है कि उसके अंदर जो अमाउंट्स है उस पर जो भी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है, वो हम अप्लाई करेंगे। और प्लस करने का वही रूल, सबसे पहले हमने ये देखना है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर इनका ऑर्डर सेम है तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे। और प्लस करने का वही मेथड, फर्स्ट अमाउंट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से, और फोर्थ अमाउंट फोर्थ से, जिसे हम क्या बोलते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा आपस में सॉल्व होती हैं। तो फर्स्ट अमाउंट को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास सिचुएशन बनेगी 1+0, 1+0। नेक्स्ट 0+2, 0+2, 0+0, 1+0, 1, 1, 1 and 0। तो ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ये था कि हमने इन दोनों को सॉल्व कर दिया। अब ऐड कर लें, 1+0, 1, 0+2, 2, 0+0, 0, 1+0, 0। तो ये अमाउंट्स जो हमारे पास थी, ऑपरेशन हमने अप्लाई कर दिया। रिमेनिंग ऑपरेशन जो है वो हम दोबारा से अप्लाई करेंगे। दोबारा से दो अमाउंट्स हमारे पास, दोनों का ऑर्डर सेम, इट्स मीन दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। दरमियान में प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सॉल्व होंगी, 1+1, 2+1, 0+1, 0+0, 1+1, 2, 2+1, 3, 1+0, 1 and 0+0, 0। तो ये आपका इंडिकेटेड ऑपरेशन इस पर अप्लाई हो गया, ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसी तरह आपने इन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर आप देखें, ये मैंने पार्ट नंबर 1 कर दिया है। पार्ट नंबर 2 में आप सबसे पहले माइनस करेंगे ब्रैकेट्स वाली अमाउंट्स जो आपके पास दी गई हैं, उन दोनों को पहले आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक आपके पास मैट्रिक्स बनेगा, उसको आप पहली अमाउंट से सॉल्व कर देंगे। इसी तरह थर्ड करेंगे, इसी तरह फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बहुत क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने ऐसे करना है, अभी फिलहाल आपने 1, 2, 3 and 4 पार्ट करने हैं। इसका जो 4 पार्ट है वो मैं आपको करा देता हूं, उसके पहले 3 पार्ट आपने खुद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमें ए की वैल्यू दी गई है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1 - 1, 0। बी की वैल्यू जो आपको दी गई है वो है 1 - 1, 1, 2, - 2, 2, 3, 1, 3। और सी की वैल्यू भी दी गई है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में सी यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए मैं सी की वैल्यू फिलहाल नहीं लिख रहा। हमारे पास है ए प्लस इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a + b। हमने जो रूल्स हमारे पास हैं, हमने वो यहाँ पर इक्वल प्रूव करने हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप लेफ्ट राइट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लेकर उसे सॉल्व कर लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस इंटू बी प्लस ए।
हमें पता है हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो पहले मैं सबसे पहले b प्लस ए सॉल्व कर लूँगा। b प्लस ए का मतलब पहले आपने b लिखा हुआ है, तो आप पहले b यहाँ पर पुट करेंगे, b की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3 b की वैल्यू आ गई, प्लस एज इट इज़ आ गया, फिर a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 एंड 0। सॉल्व करने का वही मेथड, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो सॉल्व होती हैं 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 3 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 प्लस 1 1 माइनस 1 एंड 3 प्लस 0। इसको सॉल्व कर दें, बी प्लस ए, ये साइड्स होती है ना आपकी, ये रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको आपने स्किप नहीं करना होता, क्योंकि बास स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, बस यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, तो इस जगह से वाजिया नहीं होता कि आप असल में ऑपरेशन कर क्या रहे हैं। आप ए को बी के साथ प्लस कर रहे हो, बी को ए के साथ प्लस कर रहे हो, तो वो आपकी रिप्रेजेंटेशन मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं, इसलिए ये साइड आपने लाजमी साथ साथ लेकर चलनी है। 1 प्लस 1 2 2 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 1 बड़ी अमाउंट के साथ प्लस है, सो यहाँ पर प्लस आएगा। 3 प्लस 1 4 2 प्लस 2 4 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 1 माइनस 1 0 3 प्लस 0 3। ये अभी हमारी सिर्फ ये साइड सॉल्व हुई है, अब हमने क्या करना है, a प्लस दिस अमाउंट। अब दिस अमाउंट का मतलब हमारे पास ये है, हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस ए, यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी, पहले a की वैल्यू लिखेंगे बिकॉज हमारे पास यहाँ पर पहले a की वैल्यू है, 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस b प्लस a, एक्चुअली हमारे पास ये है 2 1 4 4 1 3 4 0 3। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, दोनों को हम प्लस कर देंगे, वही आपका स्टेप है, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ ऐड करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 2 2 प्लस 1 3 प्लस 4 2 प्लस 4 3 प्लस 1 1 प्लस 3 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 0 एंड 0 प्लस 3। ये आपकी एक साइड सॉल्व हो गई, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2a प्लस बी। यहाँ पर आपने क्या करना है, a की अमाउंट को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है कि 2 हर एक साइड से, हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा उसे आप b के साथ सॉल्व कर लेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो ये आपने इसके पहले चार, ये जो चार क्वेश्चन आपके पास हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 4 के, ये आपने कर लेने हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।